हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रेसिपी विद प्रीति। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज्जा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं छोटा सा, उसमें मैं डाल लेती हूँ। ये मैंने आधी शिमला मिर्च है ये बारीक काट ली है, इसको डाल लेते हैं। इसमें सब्जियाँ जो है हम बारीक बारीक ही काट के डालेंगे। और ये एक टमाटर छोटा है वो मैंने बारीक काट लिया है, उसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। एक प्याज, इसको भी बारीक काट लिए मैंने। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ चिली फ्लेक्स, ये मिक्स आल, इनको भी इसमें डाल देते हैं। ये कुछ ऑरिगेनो है, इनको भी इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी जो टॉपिंग है वो हो गई है, ये देखिए इस तरह से एक टॉपिंग तैयार कर लिया हमने। इसमें चाहे तो आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, जो आप अपनी मर्जी से, जो आपको पसंद है। पर ये आज मैं जो बना रही हूँ ये जल्दी और फटाफट। कभी कभी क्या होता है, हमारे बच्चों को एकदम भूख लगती है और कुछ खाने के लिए नहीं होता है, तो उनके लिए क्या है, ब्रेड हमारे पास हर समय होती है, प्याज होती है, टमाटर, तो हम उनसे ब्रेड पिज्ज़ा एकदम तैयार कर सकते हैं। ये एक झटपट सी पिज्ज़ा सॉस और बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिए 2 चम्मच टमाटर सॉस और 1 चम्मच सेजवान चटनी जो रहती है वो है। ये क्या है, फटाफट बनाने वाली एक सॉस तैयार कर रहे हैं। अब इसमें मैं डाल लेती हूँ 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। अभी हम इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये हमारी पिज्जा सॉस तैयार है। अब चलिए हम पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये 2 सफ़ेद ब्रेड ले ली हैं। आप चाहे तो इसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब हम इस पे लगा लेते हैं सबसे पहले जो हमने ये सॉस तैयार की थी ना, इसको लगा लेते हैं। इस तरह से पूरे बच्चे से फैला लेते हैं। ये क्या है, बच्चे हमारे जब भी थोड़ा सा भी हम भूखे होते हैं और मांगते हैं कुछ खाने के लिए दीजिए मैं, तो उस टाइम पे हम इस तरह से बना के उनको दे सकते हैं फटाफट। और कभी कभी बड़ों को भी भूख लगती है ना, तो उनको भी अच्छा लगता है ये खाने में, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे। अब हम अपनी ये जो सब्जियां हमने मिक्स की थी, अब हम ये इस पे अच्छे से लगा लेते हैं इस तरह से धीरे धीरे। इस पे आप सब्जियां अपनी पसंद की भी ले सकते हैं, आप स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं इस पे। और तो अभी तो मैंने इस पे फिलहाल प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर ही डाला है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप इस तरह से एक बार बना के देखें, आपके बच्चे, आपको बहुत पसंद आएगा। ये इस तरह से हम अच्छे से इसमें सब्जियां रख देते हैं। सब्जियों को हम अच्छे से फैला लेते हैं इस तरह से। हम अब इसके ऊपर डाल देते हैं इस तरह से चीज। ये क्या है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हमारे बच्चों को भी पसंद आता है, इसलिए इस तरह से हम ये सब पूरा अच्छे से चीज लगा लेते हैं इस पे। अब देखिए हमारे ये दोनों पिज्जा मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको जो है सेक लेते हैं। इसके लिए मैंने हमारा एक तवा गरम होने रख दिया है, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे है, इसको ज़्यादा गरम नहीं करना है। और इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल, मतलब घी या ऑयल कुछ भी लगा लीजिए आप। और इस पर हम ये रख देते हैं इस तरह से। और इसकी जो फ्लेम है ना बिल्कुल लो रखनी है। और इस तरह से ये दोनों रख के इसको हम इस तरह से कवर कर देते हैं, इस तरह से इसको छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। बीच में देख लेते हैं, अगर लगेगा हमें कि कहीं कुछ ज़्यादा वो लग रहा है कि पक गया है या चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है, तो हम पहले भी निकाल लेंगे, नहीं तो हम 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ देते हैं पकने के लिए। अब हमारे पिज्जा को रखे हुए 5 मिनट हो गए, मैं चेक कर लेती हूँ बन गए या नहीं बने। ये देखिए कितनी अच्छे से चीज़ भी मेल्ट हो गई है,
और ये अच्छे से बन गए हैं। अब हम इसके आए गैस बंद कर देते हैं और इस पे हम थोड़ा सा ऑरिगैनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स ये भी इस पे डाल देते हैं और अब हमारे तवा पिज्जा बनके तैयार है। अब हमारा ब्रेड पिज्जा बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे से ऊपर से भी हमारी ब्रेड और चीज बिल्कुल मेल्ट हो गई और ये देखिए पीछे से कितने अच्छे से हमारा अच्छे से सिका है पूरा। अब ये अगर आपको ये पसंद